विधान पार्षद का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खबर दे दें। नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है? खालिद अनवर ये बोल रहे हैं। जेडीयू के विधान पार्षद का ये बड़ा बयान है, यानी कि नीतीश कुमार को सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार वो बता रहे हैं। आपको बताते चले, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 15 सीटें हैं यहाँ पर। एनडीए के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है जेडीयू, लेकिन अब बैटिंग शुरू हो गई है नीतीश कुमार को लेकर के, उनसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता है और वही सबसे बेस्ट हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी। शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं, और शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, मलूक नागर जी एमपी लोकसभा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के मनोज सिंह काका जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, आज तो इनका दिन है, शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया है, इस वक्त बीजेपी के ऊपर बड़ी लीड हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश में धीरेन्द्र कुमार जी स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं मनोज काका जी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, पहले तो शहनवाज हुसैन जी थोड़े बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। शहनवाज साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि बेस्ट पीएम मटेरियल नीतीश कुमार ही हैं, और आपके तो बड़े करीबी हैं नीतीश कुमार, तो क्या चल रहा है वहां बिहार में? चित्रा जी, आपका कैमरा नहीं आया है, मोबाइल से मैं जुड़ा हूं, इसमें आपके कैमरा बुझा बुझा है, मैं बुझा बुझा नहीं हूं। आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं 297, ये 297 बता रहा है, 272 से प्लस है, यानी आ गए मोदी, प्रधानमंत्री बन गए मोदी, इस फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा था वो साकार हो गया। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, यहां बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, आप हमें मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार 3 बार इस महान देश में सेवा करने का जो अवसर जनता ने दिया है, देश के अंदर खुशी की लहर है, ये सही है। अगर हम 398 भी जीतते तब भी हमारे विरोधी कहते, देखो देखो हमने इनको रोक लिया, इनको 400 के पार नहीं जाने दिया, अरे लेकिन अभी ये लोग यही जश्न मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखो का देखो हमने मोदी को रोक लिया, आप लोग करते थे, लेकिन अभी तो 244 सी है, चुनाव 272 एनडीए चुनाव लड़ रहा। अजय चित्रा जी एनडीए चुनाव लड़ रहा था, एनडीए के नेता के तौर पर लड़ रहे थे, अलायंस था, बीजेपी बिहार में लड़ रहे थे, आधी सीट हम लड़ रहे थे, आधी जेडीयू लड़ रहा था, मोदी जी सबके लिए प्रचार कर रहे थे। अब आप बांट रही हैं कि नहीं नहीं बीजेपी का इतना, जेडीयू का इतना, एनडीए का इतना, ये जो एनडीए का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा क्यों दिखा रही हैं? इसलिए दिखा रही हैं कि ये मोदी का आंकड़ा है, ये मोदी का मैजिक है, तो मोदी जीत गए हैं, इसके लिए मैं आज तक के सारे दर्शकों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी फिर से 5 साल के लिए आपके प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं, इन आंकड़ों से स्पष्ट है, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, एनडीए 298 पर। अब मनोज सिंह काका जी, ये बात सच है कि 5 से आप लोग अगर इतने बड़े उछाल के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जीत रही है तो मुस्कुराने का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी एनडीए सरकार से जा रहे हैं, आप लोग देखिए कितना पीछे है, 228 पर इंडिया है, 298 पर एनडीए है, 10 सालों का एनडीए का शासन, 10 सालों का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसके बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि आप लोगों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ दिया, और ऐसा भी नहीं है साहब, 298-288 बड़ा गैप है दोनों के बीच में। देखिए चित्रा, आप तमाम तरह के आवरण से इसको ढका ना जाए, इसको थोड़ा उजागर किया जाए, इसको थोड़ा व्यापक किया जाए। अब कम से कम शहनवाज भाई से मैं इतना तो जरूर उम्मीद करता हूं, बड़े भाई हैं, कि अपने 400 वाले आवरण से कम आज ये नंगा हुए होंगे, 400 का इनका दम तो टूट गया। और अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएं, सुनिए तो अभी भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पर है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी भी सत्ता में नहीं है, सत्ता का जो आंकड़ा है वो 272 का, इतना तो बड़े भाई जानते ही होंगे, तो अभी आज ये आंकड़े बहुमत के आंकड़े से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है।
और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर जो आपने एक बात कहा, स्वीकारा कम से कम। मुझे खुशी है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय राजनीति में यह साबित करा है, उन्होंने कम संसाधनों में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, हमारे विधायकों को प्रताड़ित किया गया, आजम खान साहब को किया गया, लेकिन भारतीय राजनीति में आज जो बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर लोहिया का जो सपना था उसके उसको व्यवहारिक रूप किसी ने दिया है। और सारे जाति वर्ग के लोग अगर किसी के समावेशी राजनीति पर भरोसा किए हैं और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी को किसी ने हराया है उत्तर प्रदेश में, तो हम समाजवादियों ने हराया है, कम से कम इसका श्रेय तो दीजिए। अब मैं पूछना चाहूंगा कि 400 पार कहां है आपका, अब तो 300 पार भी नहीं है। अब नैतिकता के आधार पर अभी भी आपको जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट दिखा रही है 243 का आंकड़ा दिखा रही है, तो सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।